बस देखे थे और थोड़े बहुत कुछ स्टार्ट किए थे, ठीक है, व्यवहारवाद तक पहुंच गए थे बस उसको। तो एक अब यहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट करना है अगले हफ्ते से, मतलब एक तो ये होगा कि हम टॉपिक को पहले पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। और जैसे 3 दिन लगेगा मुझे मान लो पहले टॉपिक को पढ़ाने में, पहले जो बेसिक है, ठीक है, स्कूल्स ऑफ जितने भी साइकोलॉजी है जिसमें आप पढ़ते हो, क्या संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, मैस्लो का नीड थ्योरी क्या है, आवश्यकता सिद्धांत क्या है, सहचर्यवाद क्या है, प्रेरकीवाद क्या है, इतने सारे संप्रदाय हैं और हर एक मनोवैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। वो बताते बताते मेरे ख्याल से मुझे 3 क्लास लगने चाहिए। 3 क्लास के बाद मैं आपको एक दिन पहले ही नोट दे दूंगा, जैसे कल खत्म होने वाला है मान लो, तो मैं आज आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जो ऑफलाइन होगा उसको हार्ड कॉपी मिलेगा और जो ऑनलाइन होंगे उनको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उनको वैसे ही भेज दिया जाएगा। अब मान लो हमारा सब्जेक्ट जब कल खत्म होगा, पहला टॉपिक जब खत्म होगा, तो खत्म करने के साथ ही मैं उससे रिलेटेड आपको MCQ करा दूंगा। कोशिश करूंगा वो MCQ भी आपको PDF के फॉर्म में मिल जाए, वो नोट्स नहीं बनाते बनेगा, वो आपको PDF दे दूंगा मैं, चाहे तो आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। सभी के लिए बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए नोट्स पूरा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मैं नहीं दे पाऊंगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हो जाएगा, है ना, तो मैं नोट्स पूरा प्रोवाइड कराऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो जब आप रिविजन करोगे तो आप अपने नोट्स को मिला लेना और जो कॉपी में लिख रहे होगे उसको मिला लेना और फिर उसके बाद आप तैयारी करना। अब देख लेना, क्योंकि जो आप लिखे रहोगे लगभग 10 पेज चले जाएगा और नोट्स में वो 2 पेज में रहेगा, तो आपको जहां से अच्छा पढ़ते बने आप उसको फिर रेफर कीजिएगा, क्योंकि जब फाइनल नोट्स आपके पास जो होगा वो मेरे ख्याल से 30-40 पेज से ज्यादा का नहीं होगा, जो प्रिंटेड मटेरियल रहेगा 30-40 पेज, और जो कॉपी लिखे रहोगे वो लगभग 100-150 पेज पार हो जाएगा। तो लिखने से ये होगा कि आपको याद जल्दी होगा और नोट्स मिलेगा तो पढ़ जल्दी लेंगे फिर, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, कोई और किसी प्रकार का क्वेश्चन लाइव क्लास वालों को? ठीक है, बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, टेस्ट भी ले लेंगे। स्टार्ट कहां से किए थे हमने? दर्शन शास्त्र से, यही था ना। जितना भी विषय होता है सब चीज का जो बेसिक कहां से स्टार्ट होता है, उसका ओरिजिन कहां से होता है? दर्शन शास्त्र से, दर्शन से। इसी से हमको क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान पढ़ना है। और मनोविज्ञान की जितने भी सारी शाखाएं होती है उसमें से 2 शाखाएं हमारे काम का है ना। एक शाखा तो मैंने कल बता दिया था, दूसरा शाखा क्या है आपका? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको आप शिक्षा शास्त्र बोलते हो, वही क्या होता है आपका? पेडागोजी बनता है, ठीक है। तो यहां से क्या पढ़ना है हमको? इसके 2 ब्रांच हैं, बहुत सारे ब्रांच, लेकिन हमको 2 ब्रांच पढ़ने हैं। एक है बाल मनोविज्ञान, एक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, अब मुझे जल्दी से बताओ मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान में करते क्या? हाँ, लास्ट पॉइंट कहाँ पहुंचे थे हम लोग? आत्मा, फिर मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद व्यवहार। हमारा कहानी अभी तक है व्यवहार, है ना। अगर आपसे पूछे मनोविज्ञान में होता क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर मनोविज्ञान बोला जाए तो कहां से कहां तक का अध्ययन? गर्भ से लेकर कब्र तक, शुरुआत से लेकर अंत तक हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए बाल मनोविज्ञान, तो बच्चों का, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यही हम दूसरे शब्दों में क्या बोल देते हैं इसको? बाल विकास कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा फिर? वहां तो बच्चा बोल दिया हमने, तो यहां पर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, पढ़ेंगे उनके बारे में। बाल मनोविज्ञान में स्टैनली भी ले लेते हैं, है ना, स्टैनली हॉल, आपने सुना होगा, तूफान, संघर्ष, तनाव, शैक्षिक परिस्थितियों में किसी के व्यवहार का अध्ययन। जैसे मैं आपको क्या करा रहा हूं अभी, कुछ शिक्षा दे रहा हूं, अब इस परिस्थिति में मैं आपके व्यवहार का अध्ययन करूं, ये क्या कहलाएगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान। ये आपका क्या बन जाता है? पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र बन जाता है। वो बाल विकास बन जाता है, ये क्या बन जाता है? शिक्षा शास्त्र। तो यहीं से हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो ये शिक्षा शास्त्र, अब मैंने क्या किया था याद करो, कल बताए थे कि इसका विकास क्रम कैसे हुआ,
विकास क्रम, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहला वाला, वो क्या था? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, ऐसा कुछ स्टार्ट किए थे। और उसका बेसिक नाम क्या था? उस समय तो मनोविज्ञान नहीं बोला गया था, क्या बोला गया था? कुछ अंदर वाला भाव था, अंतःकरण। क्या बोला गया था? अंतःकरण। क्या बोला गया? अंतःकरण। इसको लेकर कौन आते हैं? अरिस्टोटल या अरस्तु। इसके समर्थन किसने किसने किया था? डेकार्ट, प्लेटो और रुडोल्फ गुइकिन। अब मेरे ख्याल से कल जो नया नया नाम लग रहा था, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ा हुआ लग रहा है, लग रहा है? ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि यहां पर क्या था, जो भी इंद्रियों के माध्यम से जो भी सूचना मिलती है वो कहां पर जाता है? क्या बोला था इसने? आत्मा पर जाता है। इसलिए मनुष्य को जानने के लिए किसका अध्ययन करना चाहिए? बिल्कुल लिख सकते हो सुकरात भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाम आपके परमानेंट होने चाहिए जितना नाम यहां पर लिखे हुए। तो यहां पर क्या है, मनुष्य का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा? आत्मा का अध्ययन, यही पड़े था ना, कुछ अलग तो नहीं था। क्या करना है? आत्मा का अध्ययन करना है, ठीक है, याद है, समझ में। अब यहां से कहानी क्या थी कि डेकार्ट से किसी ने पूछ दिया, डेकार्ट से, कि यार बोल तो सही रहे हो लेकिन आत्मा होता क्या है? तो उन्होंने क्या बोल दिया? ब्लड। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे कुछ पढ़े थे कि डेकार्ट क्या बोलता है? आत्मा कुछ और नहीं होता, आत्मा क्या होता है? खून होता है। तो ये अलग से याद रखना, ये क्या करना, याद रखना। अब जब ये कहानी आगे बढ़ती है, और ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से 2500 साल बोल सकते हैं, 350 के ईसा पूर्व के आसपास ये रहते हैं। अरस्तु जो है किसके गुरु हैं? सिकंदर के गुरु, अलेक्जेंडर द ग्रेट के, यूरोपीय यूनानी। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो रुडोल्फ गुइकिल का, क्या था इनका बुक का नाम? बुक छपके आती है 1590 में इनका, और बुक का नाम क्या रहता है? साइकोलॉजिया। पहले तो साइकोलॉजी शब्द आना चाहिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बाद में आएगा, तो ये साइकोलॉजिया। तो यहीं पर क्या होता है, सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग होता है। और साइकोलॉजी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। यही चीज क्या कहलाता है हमारा? मनोविज्ञान कहलाता है। यही चीज क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग या साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आप क्या बोलोगे? रुडोल्फ गुइकिल। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि गैरिट इसको आगे बढ़ाते हैं, और गैरिट बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां पर साइकोलॉजी को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। क्या क्या था? साइकी प्लस लॉगस। क्या क्या बताया था मैंने? इसका मतलब क्या बता दिया इन्होंने? आत्मा बोल दिया। और इसका मतलब क्या बोल दिया? अध्ययन या ज्ञान। पढ़े थे? अब तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि एकदम नया नया है यार करके। कल जो था उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। जब दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में पूरा फिर से वही कहानी चलने लगती है, हाँ कि ये तो पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या हुआ था? सब तर्क ढूंढने लग गए थे, सब विज्ञानवादी हो गए थे, सब किसी ना किसी, अगर ये हो रहा है तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करने लगे। ऐसा होने लगा कौन से शताब्दी में? याद करो, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी तक ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद लोग तर्क करना चालू कर दिए कि यार ये कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हमको क्या करना है, मनुष्य को जानना है, तो मनुष्य के ऐसे ऐसे चीज का अध्ययन करना पड़ेगा जो हमें दिखे,
जिसको हम महसूस कर पाए, जिस पर हम प्रयोग कर पाए। तो ऐसा कुछ था क्या, या आत्मा का कोई रूप है क्या, कोई दृश्य है क्या? आत्मा वैसे भी दृश्य नहीं है, अमूर्त है। अमूर्त को बोलते हैं हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा नहीं था, तो धीरे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इतना जल्दी चेतना कैसे पहुंच गए, मन का कॉन्सेप्ट आया। तो कल वाला भूल गया, ओंटोलॉजी। आपको इधर का कुछ नहीं पूछेगा, आपको जो पूछेगा क्या पूछेगा कि आत्मा या अंतःकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अरस्तु के द्वारा। इसका समर्थन किसने किसने किया था, क्वेश्चन क्या आएगा कि अंतःकरण या आत्मा का विज्ञान का समर्थन किसने किसने किया है करके। तीन चार नाम लिखे रहेंगे, वो ढूंढना रहेगा, इसके अंदर की कोई कहानी नहीं पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो ये रुडोल्फ गोइकिल। इनकी बुक का नाम, साइकोलॉजी पर पहली छपने वाली बुक कौन सी है, तो साइकोलॉजिया है। फिर इसके बाद अगर साइकोलॉजी में लॉगस का अर्थ, मतलब दो भाग में टूटता है साइकी और लॉगस। लॉगस का अर्थ जहां क्या है, अध्ययन या ज्ञान है, तो आपको बताना है कि साइकी का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपका, समझ में। फिर इसके बाद क्या था, कौन सा विज्ञान था, सेकेंड वाला जो था वो था मन का विज्ञान, मन मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान, और ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आते हैं, ओंटोलॉजी है ना, नॉजी, ओंटोलॉजी। इसका समर्थन कुछ बताया था क्या, समर्थन अगर नहीं बताया तो लिखिएगा, समर्थन जो है लिखे, समर्थन किसने किसने किया था, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसरी। जॉन लॉक कौन है, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसरी। थॉमसरी का मैंने कुछ बताया था कल, कुछ बताया था क्या, भाषा विकास वाला कुछ क्रम बताए थे। भाषा विकास अगर आप सीखते हैं किसी भाषा को तो क्या होता है क्रम, सुनना है ना, मोंटेसरी, अच्छा मोंटेसरी है वो, ठीक है। क्या था वो क्रम, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, वो क्या कर देती है, थोड़ा सा उल्टा कर देती है लास्ट में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब यहां पर क्या था, यहां पर इन्होंने कहा कि जो भी हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां क्या करती हैं, जो भी सूचना लेकर आती है वो किसको बताती हैं, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क को। और फिर उसके बाद क्या होता है, चीजें काम करना शुरू करती हैं। तो हमें मन या मस्तिष्क का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ऐसा क्या कहना है, किनका कहना है, पंपोनॉजी का। तो पंपोनॉजी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया था पंपोनॉजी ने, कि साइकोलॉजी को कितने भाग में तोड़ना चाहिए, साइकी प्लस लॉगस। कौन, पंपोनॉजी बोल रहे हैं। तो यहां पर साइकी का मतलब क्या बता दिया, मन या मस्तिष्क। मन ही लेकर चलिएगा, मेन तो यही है मन वाला कॉन्सेप्ट इनका, मस्तिष्क अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि मन मेन है बस। यहां पर भी लॉगस का मतलब क्या है, सेम है अध्ययन। लॉगस का मतलब क्या है, सेम है अध्ययन। ये भी कॉन्सेप्ट जो है 100 साल तक चला, मतलब 16वीं शताब्दी में अगर उसका अंत हुआ है तो 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, इस सिद्धांत का विरोध होना प्रारंभ हुआ। का विरोध जैसे क्यों होने लगा, क्यों, तो क्यों का आंसर दो आप, क्यों, क्यों इसका विरोध क्यों होने लगेगा, हाँ। एक तो पहले यह है अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते। अब सब साइंस मानने लग गया ना, जिसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है केवल उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो यहां पर प्रयोग, एक तो अमूर्त है, प्रयोग नहीं किया जा सकता, आकार नहीं है, रूप नहीं है,
आकार और क्या नहीं है, रूप नहीं है, तो इन दोनों नहीं है। यहां तक समझ में आया? आकार और रूप दोनों नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, कुछ पता नहीं है, तो इस पर क्या कर दिया गया, विरोध होने लगा और फाइनली ये कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, खत्म हो गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में जाकर इसका क्या कर लिया गया, अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया। 17वीं शताब्दी में तो उसको मना कर दिया गया, आपको ये याद नहीं रखना ना 17वीं शताब्दी, ये शताब्दी, बस आप ये याद रखिएगा कि इसके असफल होने का कारण क्या है, असफल क्यों हुआ था, बस ये जानने के लिए। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछेगा इस टॉपिक से, तो आपको ये पूछेगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान किनके द्वारा दिया गया और कौन कौन इसके समर्थक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस आपको कहानी जानना है इसके अंदर क्या क्या हुआ। तीसरा मैंने क्या बताया था, याद करो, चेतना, चेतना का विज्ञान। और ये कौन लेके आते हैं, विलियम बुन। समर्थनकर्ता कौन कौन थे, एक का नाम तो अच्छे से बताइएगा, एक का नाम बहुत अच्छे से बताइए, क्या नाम था उसका, उसका भी नाम विलियम था, विलियम जेम्स। मैंने क्या बताया था कि विलियम जेम्स कहां जाएंगे फिर, जेम्स ये होते हैं यूएसए के, ठीक है, ये कहां जाएंगे, यूएसए जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, मनोविज्ञान की एक नई शाखा को चालू करेंगे। तो जेम्स ली और वाइस, और वाइस, ये लोग क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, किसका समर्थन करते हैं, ये चेतना का विज्ञान का। अब यहां पर एक चीज आपसे पूछा गया कि यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, तो मैंने बताया जो हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, कितनी, पांच इंद्रियां, ये सूचनाएं किसको देती हैं, हाँ ये सूचना भी क्या होता है, संवेदना के रूप में होता है, बताता हूं संवेदना मतलब क्या, चेतना, और चेतना में कैसे जाता है, संवेदना के रूप में, मतलब जो भी घटना हमारे सामने हो रही है, जो भी घटना हमारे सामने हो रही है, हम क्या फील कर रहे हैं उस चीज को देखकर, वो है चेतना, वो है संवेदना। मान लो किसी गरीब बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लो कोई भूखा है और खाना खा रहा होगा या जो भी है, आप किसी बुजुर्ग इंसान को देख रहे हैं, तो अलग से कोई जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है, आपका संवेदना, इमोशन, उन सबका अध्ययन करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ये भी याद रखना, ये क्या है, आंतरिक इंटरनल पार्ट है, ये दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो मैं किसी गरीब इंसान को देखा या भूखे इंसान को देखा, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, कोई बता सकता है क्या, नहीं। या आप क्या देखोगे, आप क्या सोच रहे हो, मैं उसको देख के बता सकता हूं क्या, नहीं बता सकता। तो यही, इसी चीज का अध्ययन करना है, ये बोलते हैं कौन, विलियम हुन। और विलियम हुन क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर देते हैं। किस पर करते हैं ये प्रैक्टिकल, बच्चों पर करते हैं, बड़ों पर करते हैं, बच्चों मतलब मैं बोल रहा हूँ 12 साल से नीचे वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बाल विकास पढ़ रहे हैं तो उसमें एकदम कैटेगरी डिसाइडेड है। बालक अगर बोल दिया गया तो एकदम 12-13 साल तक के बालक, ठीक है, शैशव या शिशु बोल दिया गया तो वो 2 साल तक, ठीक है, कोई कोई मनोवैज्ञानिक बोलते 6 साल तक, ऐसा है ना। किशोर बोलने से एकदम डिसाइड हो जाता है कब से कब तक, 12-13 से चालू होकर 18 तक चलता है। और WHO क्या बोलता है किशोरावस्था, 10 से कब तक, टीनेजर 19, 10 से 19 साल तक के बच्चों को क्या बोला गया है, टीनेजर, ये कौन बोलता है, WHO बोलता है। तो यहां पर क्या है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वही क्या है, संवेदना है। और वही, उसी का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, किसी किस चीज को देखकर कैसा फील कर रहे हो आप, उसका अध्ययन करना है। तो यहां पर इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं कौन, विलियम हुन। और इनका प्रथम प्रयोग, फर्स्ट प्रयोग कब होता है, 1879 कहां होता है, लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्लमार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहां से अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ, अलग विषय के रूप में क्या हुआ, स्थापित हुआ, कब हुआ, मतलब दर्शन शास्त्र से, दर्शन से नया विषय बना, क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या बन गया, एक न्यू सब्जेक्ट बन गया यहां से,
कब हुआ ये पूरा घटना, कब हुआ? 80 में। डेट याद रखेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये भी याद रखेगा, ये भी याद रखेगा। और पहला प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग जो है टीनेजर या किशोर किशोरियों पर, किशोर और किशोरियों पर। ये ध्यान रखें, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा इसका भी अपोज होना क्या हो गया, चालू हो गया। कैसे अपोज होना शुरू हुआ? कि भाई अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, और इसी चीज को ना लेकर आगे भी बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, ये संरचनावाद संप्रदाय का निर्माण करते हैं। संरचनावाद जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, जिसको निर्मितवाद निर्माणवाद भी बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसी चीज को। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर भारत में एक मनोवैज्ञानिक होते हैं जिनका, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहते हैं, वो मनोविज्ञान पर रिसर्च करते हैं 1916 के आसपास। उनका नाम रहता है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ऐसा पूरा नाम है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। वो भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने इस फील्ड पर क्या किया है, काम किया है। और वो संरचनावाद के सपोर्टर, मतलब वो किसके सपोर्ट करते हैं, विलियम वुड का सपोर्ट करते हैं, वो आगे लिखाऊंगा ना, या कलकत्ता विश्वविद्यालय लिख भी लो साइड में, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में मनोविज्ञान। विज्ञान के जनक कौन है? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, नाम याद रखेगा। कहां पर प्रयोग करते हैं ये? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, पूरा है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। कहां पर है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है। हाँ, 16 लिख लेना भाई, भूल गया था मैं, 1916 में क्या होगा, यहां पर पहला प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये इसी के ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए यहां पर बता दिया। अब कहानी ये है कि धीरे धीरे इसका भी अपोजिशन होना चालू हो गया। यहां पर बता दिया इन्होंने क्या, चेतना है ना, मतलब ये भी क्या है, एक मस्तिष्क का आंतरिक पार्ट है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, ये तो इंटरनल पार्ट ही हुआ। तो बहुत सारे लोग इसके अपोज में भी आए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है विलियम मैकडूगल, कल इनका नाम मैंने बताया था आपको, विलियम मैकडूगल, और एक नाम आपको याद रखना है सिगमंड फ्राइड, ये है ना, दिमाग के डॉक्टर होते हैं, है ना, पागलों का इलाज करते थे। अब यहां पर कहानी ये है कि विलियम मैकडूगल क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, और इनकी बुक जो है 1908 के आसपास छप कर आती है। बुक का नाम रहता है क्या, आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक अवधारणा या मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर ये तीन चीजों को बताते हैं, तीन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। किसको किसको एक्सप्लेन करेंगे, कल शायद मैं यहां तक नहीं बताया था, बस व्यवहारवाद को बताया था ना। तो यहां पर सबसे पहले तो ये व्यवहार शब्द का उल्लेख करते हैं, शब्द का प्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग करेंगे कौन, विलियम मैकडूगल। जो जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो चीज में तीनों चारों बता रहा हूं ना, ठीक है। व्यवहार शब्द इंग्लिश में क्या होता है, बिहेवियर, ठीक है। फिर इसी से एक ब्रांच बनेगा बिहेवियरिज्म। तो यहां पर बिहेवियर शब्द का जो पहला प्रयोग है वो किसके द्वारा होता है, विलियम मैकडूगल के द्वारा होता है। फिर अगर बात करें, दूसरा चीज ये है चेतना की आलोचना की, चेतना की आलोचना, चेतना की आलोचना। इनका कहना था कि चेतना जो है ऐसा कुछ होता ही नहीं है मनुष्य के मन में, ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं, होता ही नहीं है, और इसका सपोर्ट करना जो है वो व्यर्थ की बात, ये कहना रहेगा किसका, विलियम हुंड का।
सॉरी विलियम मैकडूगल का। अब मैकडूगल ने जब ये बोला तो लोग बोलने लगे भाई ऐसा क्या हो गया, तो ये बोलते हैं ये किसका कहानी गाने लगते हैं फिर, संवेग का। किसका कहानी गुनगुनाने लगते हैं ये, जो भी होता है वो संवेग होता है, इमोशंस होते हैं, जो भी क्या होता है इमोशंस होते हैं। और वो कितने बताते हैं मूल संवेग, तो अब वो आप पढ़ते हो कई बार पढ़ते हो, जैसे मान लो भय लगा तो क्या होता है, भय अगर डर लगता है तो क्या करते हैं भागते हैं, पलायन, मतलब वो पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब मान लो कोई एकदम अचंभा वाला चीज देख लेते हैं तो क्या होता है, आश्चर्य हो जाता है ये कैसे हुआ है करके, ठीक है। तो वो रिलेट करके पढ़ना है, वो क्या होगा रिलेट करके। तो 14 जो मूल संवेग है उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो पढ़ना रहता है। तो तीन चीज को डिफाइन करते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, नाम इसी से पूछेगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इंग्लिश वाला नाम ज्यादातर याद करिएगा ना, क्योंकि होता क्या है हिंदी नाम एकदम से अजीब होता है, तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश वाला नाम लिखूं, क्योंकि हिंदी वाले में तीन चार नाम होते हैं, इंग्लिश में केवल एक ही नाम होता है। तो मैं पूरा चीज बता दूंगा, आप इंग्लिश वाले नाम को पहले प्रिफर दे दीजिएगा, मतलब उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, उसको याद कर लें आप आसानी से, तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सिगमंड फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड के बारे में क्या जानते हैं, ये बहुत बहुत पहुंचे हुए चीज, बहुत सारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया, ठीक है, इन्होंने ओडिपस के बारे में बताया, इन्होंने इलेक्ट्रा के बारे में बताया, ठीक है, इन्होंने नर्सिज्म के बारे में बताया, ऐसा कुछ सुने हैं क्या था लिबिडो, हाँ इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है ना। लिबिडो का मतलब ये है, चलो पहले तो इसके बारे में बता दें, पहले ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके बारे में बता देता हूं। ये बोलते हैं कि चेतना अगर होता भी है ना तो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, ठीक है। एक होता है चेतन, और उसको जोड़ते हैं क्या, मन से, कॉन्शियसनेस, चेतन मन। फिर होता है अर्ध चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और फिर क्या होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, क्योंकि सब इंटरनल पार्ट है। अब मुझे बताओ इनका, इन्होंने कंपैरिजन किससे किया है, किसी एक मटेरियल से किया है, बर्फ, वेरी गुड। क्या बोलते हैं बर्फ, बर्फ में क्या बोलते हैं कि हमारे जो भी ब्रेन है, हमारा जो मन है, चेतन मन है, वो तीन टाइप के होते हैं, और उसका उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, बर्फ से, हाँ आइस से, आइसबर्ग से। तो आप ये बताओ किसको कितना परसेंट बताया है, ऐसा कुछ है क्या, हाँ फिर ये 90% बोला, ठीक है, ये 10%, ये कुछ नहीं, ये केवल क्या है, एक लेयर का काम करता है। क्या बोला उन्होंने कि भाई जिस प्रकार समुद्र में हमको बर्फ दिखता है, ठीक है, उसका अपर वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका, चेतन मन, ये क्या है आपका, चेतन मन। और जितना आपको बर्फ दिखता है ना पानी में, उससे 9 times जो है नीचे ज्यादा रहता है, मतलब अगर ये एक भाग है तो नीचे 9 भाग आपको दिखाई देगा, और ये क्या है आपका, अचेतन मन, अनकॉन्शियसनेस, ये 90% होता है। और ये जो होता है एक लेयर का काम करता है, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। क्या बताते हैं, जो अभी अभी का डिजायर होता है, जैसे मान लो एग्जाम, इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं हर बार इसका एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपने ना जाने कितने साल पहले पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला कौन था, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक है मीर जाफर और सिराजुद्दौला, तो कुछ याद आ रहा है क्या, आप किसको टिक करोगे, सिराजुद्दौला, थोड़ा बहुत तो याद होगा, कितने साल पहले पढ़े थे, 10-12 साल हो गया, लेकिन आज भी मन में है, ठीक है। वो चीज कहां पर है, आपके अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है, और अनकॉन्शियस माइंड में आपके जितने भी डिजायर होते हैं, किसी भी टाइप के डिजायर, 10 साल बाद गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, ये सारे का सारा जो है कहां चले जाके स्टोर होता है, आपका अचेतन मन में। और फिर एक चीज आपने देखा होगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप एक फर्रा निकाल के रखते हैं सामने, ठीक है, और देखते हैं कि यार ये आ गया तो ऐसा 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 लिखना है, और फिर उसके बाद जाते हैं एग्जाम देने, और वही क्वेश्चन आता है लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है कहां है, आपके चेतन मन में। तो यहां पर इनका कहना था
सिगमंड फ्राइड का कि चेतना को लेकर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, इसको एक सब्जेक्ट भी मान लिया, लेकिन एक्चुअल में चेतन मन मतलब जो चेतना है वो तो तीन टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसका अध्ययन कैसे किया जाए, आपको करना चाहिए तो फिर तीनों का अध्ययन करना चाहिए। यहां पर ये आ गए, यहां तक ही आ गए, तो मतलब इसका क्या किया जाने लगा, अपोज किया जाने लगा, ठीक है। इसको भी बताऊंगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक पागल आकर बैठते उनके सामने प्रश्न पूछते हैं, बताओ भैया पागल कैसे हो गए, ये हो, तो वो पूरा मतलब कम्युनिकेट करते हैं किससे, पागल से। तो फिर है ना मतलब साइकोलॉजी रहते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, तो पूछते हैं बताओ कब से ये प्रॉब्लम है, ये बहुत सारा आंसर जो है वो पागल बंदा बहुत सही दे रहा होता है। तो बोलता भाई इसका ये तो पागल है ही नहीं, पूरा तो पागल है नहीं, इतना तो मतलब माइंड में है इसके, ये इतना कुछ जानता है, बात करेंगे इसके बारे में। अब यहां पर क्या है, ये तो इन्होंने बोल दिया कि चेतन मन मतलब चेतना एक्चुअल में तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इसके भी कई सारे रूप होते हैं, इन सबका अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है, बेकार। इसके बदले में किसी और चीज का अध्ययन करना चाहिए, तो तीनों चीज का अध्ययन करो। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड के तीन चार कॉन्सेप्चुअल वो है लिबिडो, क्या होता है लिबिडो, इसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा ना क्या हुआ था, आलोचना भी हुआ था। क्या बोला इन्होंने कि बच्चों में क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर होता है, ठीक है, बच्चों में क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर होता है, ये बोल दिया इन्होंने क्या, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये पूछेगा आपसे लिबिडो क्या होता है करके, ठीक है, वो भी कब होता है, बच्चों में होता है ना, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में नहीं, और वापस से सेक्सुअल डिजायर कब आएगा, किशोरावस्था में। तो ये दो बार बोलते हैं, दो बार होता है सेक्सुअल डिजायर। फिर उसके बाद ओडिपस आपने पढ़ा होगा, ओडिपस, और क्या पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रा। ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम वाले में पूछे था, इस बार वाले में नहीं पूछा है, अब आने वाले में पूछ सकता है। और ये बेसिक बेसिक ही पूछता है, क्या होता है इलेक्ट्रा का मतलब, इलेक्ट्रा ओडिपस, ये बहुत ज्यादा है फेमस है। ओडिपस का मतलब ये होता है कि लड़के जो होते हैं माता को पसंद करते हैं, ठीक है, माता के प्रति प्रेम होता है, और लड़कियां जो होती हैं है ना इलेक्ट्रा में वो होता है, ठीक है, यहीं पर वो वाला बोल देते हैं पापा की परी रहती है, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रा, ठीक, तो आप कैसे भी करके याद करो इसको, ये पूछेगा आपको एग्जाम में। और इसके अलावा होता है नर्सिज्म, हिंदी में बोलते हैं स्वमोह। ये आगे चलकर जब सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसको सिलेबस में नहीं दिया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके सिलेबस में ना नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहां से उठाता है। सिलेबस में कहीं भी किसी भी मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में नहीं दिया है, लेकिन आप पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या होता है स्वमोह का मतलब, खुद से प्यार करना, ठीक है। खासकर बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे अगर घर में है, अगर आप उस एक तो वो सब घर में कोई बच्चा है उसके माता पिता का अगर दूसरे बच्चे को क्या कर दे, हाथ लगा दे या प्यार कर दे, प्यार जता दे, तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरे से प्यार नहीं होगा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, उसका ये मानना रहेगा। तो ये स्वमोह के बारे में भी कौन बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। तो ये पूरा चीज जो है डिटेल में देखेंगे जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। यहां तक समझ में, मतलब ये भी आगे चलकर कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था चेतना का विज्ञान वाला वो भी असफल हो गया। अब कौन आएंगे, कौन आते हैं, कौन सा सिद्धांत पढ़ना है, कौन सा विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आते हैं, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, कौन, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन समर्थन, समर्थन करता बताओ, समर्थन करता कुछ याद है क्या, स्किनर, सी एल हल और पावलोव, ये सब आप पढ़ते हैं, स्किनर फिर पावलोव जब अधिगम पढ़ेंगे तो पावलोव के कुत्ता वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, घंटी बजाते हैं, खाना लेकर आते हैं, ये वाला,
और क्लार्क हल क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपने जितना भी अभी तक अध्ययन किया है वो सब के सब क्या है, इनर पार्ट का अध्ययन करना है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है और ये पूरे तरीके से क्या है, सही भी नहीं है। कई कई लोग अपने इमोशंस को क्या करते हैं, शो नहीं करते। कई कई लोग जो होते हैं वो अपने इमोशंस को क्या नहीं करते, शो नहीं करते। तो यहां पर क्या है, आपको उनके व्यवहार जो आउटर साइड है, बाह्य परिस्थितियों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बाह्य परिस्थितियों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, मनुष्य को समझ पाओगे। तभी क्या है, मनुष्य को समझ पाओगे। यहां तक समझ में? और इसको बताने के लिए क्या करते हैं, तीन तीन बुक भी लिखते हैं। कोई बुक का नाम याद है क्या इनका? तीन बुक लिखेंगे ना, तीन बुक का नाम लिख लीजिएगा। इसमें से एक बुक को ना पूछा गया है, जैसे वॉटसन का, वॉटसन का एक कथन भी आपको याद रखना है, तीन बुक। एक आएगा 1912 में, एक 1914 के आसपास में और एक 1924 में। थोड़ा ध्यान रखना ना, ये जो है यहां पर प्रयोग जो है इनके द्वारा 1912-13 में किया गया। कहां किया गया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। कहां ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आपके यूएसए में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल करेंगे और तीन बुक देते हैं और एक कथन भी बोलते हैं। कथन मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, ऐसे याद रखना, व्हाट इंग्लिश में व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, और सन का मतलब क्या होता है, बच्चा, बेटा, जो भी। तो क्या बनेगा बच्चा, है ना, मतलब आप मुझे कुछ, मतलब कुछ एक दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, वकील, डाकू, जो भी, है ना। और ये किस पर बिलीव करते हैं, शिक्षा पर, समाज पर, आयु पर, कि वातावरण पर। वो कैसे, किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ, वातावरण के आधार पर ना। जैसे बच्चों को एनवायरमेंट मिलेगा वैसे ही क्या होगा, वो बनेंगे। क्या होगा, जैसे बच्चों को एनवायरमेंट मिलेगा वैसे ही बच्चे क्या होंगे, बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये वातावरण पर निर्भर रखते हैं। तो वो कथन आप लिख लीजिएगा, कुछ बच्चे दे दो मैं कुछ भी बना दूंगा, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कुछ बच्चे कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, तो वो आप लोग लिखना ना, मैं एकदम शॉर्ट में लिख दिया हूं, मुझे कुछ दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, पुलिस, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूं, इंजीनियरिंग, ऐसा करके लिखा हुआ, देखोगे तो याद आ जाएगा। हाँ, इनकी बुक्स के बारे में बात करते हैं, तीन बुक है। तीसरा वाला जो बुक है ना, इसको पूछा गया एग्जाम में, बुक का नाम लिखेगा, पहला है व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, ये पहली बुक है जो किनके द्वारा लिखी गई, जेबी वॉटसन के द्वारा। दूसरा बुक है मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण, और तीसरा बुक है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। इसके इसको कैसे पूछा है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, तीन बुक लिखी गई जो पूरे तरीके से व्यवहारवाद पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, उस बुक का नाम क्या है, तो यही है व्यवहारवाद। तो यहीं पर लिखना, पूर्णतः व्यवहार पर आधारित, पूर्णतः व्यवहार पर आधारित जो बुक है वो कौन सा है आपका, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। इंग्लिश में बुक का नाम क्या है, बिहेवियरिज्म। ये तीन कहानी समझ में। इसके बाद मैं इन सब चार कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने एक कथन बताया था, मैं चार कॉन्सेप्ट को लेकर, कौन बोलते हैं वो चार कथन को लेकर, क्या नाम रहता है उसका, विलियम ही रहता है आगे, क्या नाम, वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ। तो विलियम वुडवर्थ कैसा टाइप का कथन बोलते हैं,
उस पर रहता है ना आत्मा मन चेतना व्यवहार, अब व्यवहार बाकी है ऐसा कुछ, तो वो कथन लिख लीजिएगा आप। अंत में जो कथन है वो कथन किसका कथन, इस विकास क्रम को लेकर ना, जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है उसको लेकर एक कथन कहा गया है। किसका, किसने कहा है? विलियम वुडवर्थ ने कहा है। विलियम वुडवर्थ क्या बोलते हैं मनोविज्ञान में? क्या क्या बोलते हैं? आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, ये ऐसा है ना, जरूरी नहीं है आप इसी क्रम में याद रखो। मन को छोड़ा, चेतना खोई, अब केवल व्यवहार बाकी। इंग्लिश में ऐसा है, सम द बिहेवियर, सम ऑफ बिहेवियरिज्म इज लेफ्ट करके ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो अब केवल व्यवहार बाकी है। तो ये थोड़ा सा ऐसा याद रख लेना, तो इससे जो होगा आप हमेशा याद कर लोगे इसको। तो ये जरूरी नहीं ना कि आत्मा का त्याग, मन को छोड़ा, चेतना खोई, ऐसा नहीं है कि आपको ये त्याग खोई ये याद नहीं करना। बस ये याद रखना कि ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ऐसा जो तर्क था, ठीक है, स्टेटमेंट किसने दिया है? आत्मा खत्म हो गई, मन चला गया, फिर चेतना खत्म हो गई, अब क्या बाकी है? व्यवहार बाकी। तो आप जब इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये चार, मतलब चार में से तीन चले गए हैं, अब क्या बाकी? केवल व्यवहार बाकी है। ऐसा कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट किसका था? विलियम वुडवर्थ का। किसका था? विलियम वुडवर्थ का। बस ये याद रखना है। अब यहां से हमारा जो है पहला टॉपिक तो हो गया कि मनोविज्ञान क्या था, ये हमने समझ लिया। आज हम अगर कोई पूछता है मनोविज्ञान क्या है, तो आप केवल और केवल क्या बोलेंगे? सर, मनोविज्ञान में हम करते हैं व्यवहार का अध्ययन। अब मैंने क्या बताया था, दो यहां पर बताया था कि मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? जनक अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। फिर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, आप लोग पूरा लिखना, जनक कौन है? विलियम वुड। विलियम वुड। यहां तक बेसिक बेसिक हमारा मनोविज्ञान वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद भी आपको बहुत सारा पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि कौन कौन से स्कूल हुए। स्कूल का मतलब कि जो मनोविज्ञान को जानते थे उन्होंने अपना अपना ग्रुप बना लिया जिन्होंने अध्ययन किया है। जैसे मैंने बोला कि विलियम वुंड क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसको बोलते हैं संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद, अलग अलग नाम है। इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या होगा, कोई अपना अलग ब्रांच बनाएगा। जैसे एक बनेगा क्या, फंक्शनलिज्म है ना, प्रकार्यवाद। फिर बनेगा क्या, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। फिर आएगा क्या, गेस्टाल्टवाद, जिसको समग्रवाद बोलते हैं, जिसमें तीन के नाम के बंदे रहते हैं, हाँ, कर्ट लेविन, कोहलर और कुफ्का, ठीक है। तो वो तीन है, और एक उसमें और होते हैं ना, मेन मैक्स वर्दी मीर है ना, वैक्स वर्दाई मीर या मैक्स वर्दी मीर, जो भी आप याद करें। तो यहां से क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान के स्कूल, मनोविज्ञान के सिद्धांत, सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है वो क्या है आपका, संरचनावाद। बस अभी नाम लिख रहा हूं ना, इसको निर्मितवाद या इसको बोलते हैं निर्माणवाद, मतलब सब में बनना ही बनना लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरलिज्म। इंग्लिश वाला नाम स्ट्रक्चरलिज्म। कौन लेकर आते हैं इसको, विलियम वुंड। कौन लेके आते हैं, विलियम वुंड लेके आते हैं। बस इसमें याद रखो क्या था संरचना, मतलब विलियम वुंड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, ऐसा ही था ना, जो भी आप देख रहे हो, आप में जो फीलिंग आ रही है देखकर,
जो इमोशन डेवलप हो रहा है वही क्या है आपका, उसी का अध्ययन करना है, उसी का क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे आपने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग इंसान है वो मदद मांग रही है, पैसे दे दो कुछ खाना है करके, तो आपके मन में जो भाव आ रहा है उसका अध्ययन करने के लिए बोला जा रहा है। यहां तक समझ में है? फिर इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, कौन दूसरे नंबर में आता है क्या, प्रकार्यवाद, इसी को बोलते हैं और दूसरे शब्द में कार्यवाद, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म। ये कौन लेकर आते हैं, विलियम जेम्स। बस नाम से थोड़ा याद रखना ना, क्या होता है विलियम जेम्स, क्या बोलते हैं वो समझिएगा ना। अभी केवल पढ़ो ना प्रियंका, बाद में देखना वैलिडिटी जो होगी आपके एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम के आगे तक रहेगी, फिलहाल अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम होते तक आपकी पूरी वैलिडिटी रहेगी, उसके आगे भी रहेगी कुछ दिनों तक। अब देखो जो विलियम वुंड है वो बोलते हैं जो भी इमोशन आ रहे हैं हमको उसका अध्ययन करना है, जो भी इमोशंस आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं उसका अध्ययन करना है। लेकिन यहां पर विलियम जेम्स उसके आगे निकल जाते हैं कि हमको इमोशन का नहीं करना है, इमोशन के बाद जो होने वाला कार्य है, जैसे मैंने देखा एक बूढ़ी कोई गरीब है बहुत ज्यादा और उसको भूख लगी है, वो पैसे मांग रही है, तो हमारे अंदर थोड़ा दया भाव आ रहा है, ठीक है, तो ये उसका अध्ययन, दया भाव का अध्ययन करने कौन बोल रहा है, ये विलियम वुंड बोल रहा है। लेकिन विलियम जेम्स बोलता है कि भाई दया भाव आने के बाद आप कर क्या रहे हो, आप मदद कर रहे हो, आप उनको खाना खिला रहे हो, आप वो देखो आपके अंदर वो इमोशन आने के बाद आपको उसका अध्ययन करना है कि आप आगे उसके बारे में क्या विचार करने वाले हो। तो इसी कारण इसको बोला गया है प्रकार्यवाद, कार्यवाद, कि भाई इमोशन आ गया उसके आप क्या कर रहे हो, समझ में। तो ये इसी कारण इसको क्या बोला गया है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा व्यवहारवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म। स्पेलिंग गलत है यार, बिहेवियरिज्म। कौन लेके आते हैं, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन, ठीक है, आप वॉटसन ही याद रखो, हो जाएगा काम। अब यहां पर आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, आंतरिक पार्ट का अध्ययन कर रहा है, मतलब आंतरिक अध्ययन, ये था ना, इंटरनल पार्ट का अध्ययन हो रहा था दोनों में, दोनों में इंटरनल पार्ट का अध्ययन हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाह्य पक्ष का अध्ययन हो रहा है। मतलब जो भी हम अपना एक्शन अगर दिखा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हमने पहले तो ये है जो भाव आ रहा है, हाँ यार भूख लग रहा है उसको, ये सोच रहे हैं, लेकिन अब मदद करने की भाव जो आ रही है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रकार्यवाद। अब जो मदद कर रहे हैं एक्चुअल में, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या उनको कुछ खिला रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, व्यवहार आ जाएगा। तीनों चीज को समझना ना, ठीक है। सपोज करते हैं कंडीशन लेकर आते हैं, बूढ़ी अम्मा है भूखी है, मदद मांग रही है, आपने देखा आप में दया की भावना आई, हाँ यार बहुत भूखी होंगी, ये हो गया कौन सा आपका, विलियम वुंड का संरचनावाद। फिर प्रकार्यवाद क्या होगा, आप सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए। अब इमोशन आने के बाद, दया भाव आने के बाद आप मदद करने के लिए जब आगे बढ़ रहे हो, वो भी इंटरनल पार्ट है, आपने किसी को बताया नहीं, तो वो क्या है आपका, प्रकार्यवाद। अब फाइनली जब आप मदद कर रहे हो, उनको खरीद कर खाना दे रहे हो या पैसे दे रहे हो, तो वो क्या है आपका, व्यवहारवाद। वो क्या दिख रहा है, दिख रहा है लोगों को, समझ में, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये तीन लाइन समझ में है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, एक आता है क्या, समग्रवाद, समग्रवाद, जिसको बोलते हैं संपूर्णवाद, इसी को बोलते हैं क्या, गेस्टाल्टवाद। क्या बोल देते हैं इसको, गेस्टाल्टवाद। मेन पर्सन कौन है, गेस्टाल्टिज्म, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सही कर लेंगे, गेस्टाल्टिज्म होता है, सही कर लेना, ये मैक्स वर्दीमीर, मैक्स वर्दीमीर, अलग अलग नाम है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा, लेकिन जब आएगा तो आप बना लेंगे। तो
तो वैक्स वर्दिमिर, अब ये क्या हो गया संपूर्ण समग्र, इसको समझना, मतलब ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, मनोविज्ञान में ये सब बताया गया, मनोविज्ञान के सिद्धांत है, उसमें से क्या है अपने तीन चीजें समझ ली है। लेकिन गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद या संपूर्णवाद में ये बोला गया कि अगर किसी मनुष्य के बारे में जानना है तो आपको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके इंटरनल पार्ट का भी अध्ययन करना पड़ेगा और आउटर सरफेस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब जो दिख रहा है और जो अंदर से है दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर आप मनुष्य को क्या कर सकते हो बता सकते हो। जैसे कई 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 लोगों के लिए ये एग्जांपल देता है ना, भाई तू अंदर से कुछ और सोच रहा है लेकिन बाहर से कुछ और कर रहा है, ठीक है, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या है, आंतरिक प्लस बाह्य दोनों का अध्ययन करना है, तब जाकर आप किसी मनुष्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैक्स वर्दिमिर के साथ 3K जुड़ता है इसमें, है ना, कोफ्का, कर्ट लेविन और कोहलर, ठीक है, 3K जुड़ेगा, देखेंगे आगे चलकर। इसके बाद दो ही कॉन्सेप्ट और हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी 3-4 मैं नाम बताऊंगा, अभी दो ही बता रहा हूं। और दो नाम में एक नाम है क्या आपका मैस्लो की, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत ही देखते हैं। आवश्यकता सिद्धांत किसका है, नीड थ्योरी, नीड थ्योरी बोलते हैं इसको, किसका है, अब्राहम मैस्लो का है। नाम सुना सुना लग रहा है क्या, हाँ, अब्राहम मैस्लो आप लोग सुने, आप लोग बताओ अब्राहम मैस्लो का नाम सुने सुने, क्या है, क्या है नीड थ्योरी इनका, कितने टाइप की नीड बताते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई ये सब फालतू है, तो आंतरिक पार्ट का अध्ययन मत करो, बाह्य पार्ट का अध्ययन मत करो, अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसकी जो आवश्यकता होगी ना उसके हिसाब से वो काम करेगा, भूख लगेगा तभी खाना खाएगा तभी वो काम करने जाएगा। तो अगर आप उसकी आवश्यकताओं को जान जाओगे तो आप उस पर्सन को जान जाओगे, इनका ये कहना है कि आंतरिक पार्ट बाह्य पार्ट छोड़ दो, जब तक उसका आवश्यकता नहीं होगी तब तक वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। तो क्या कितने पार्ट बताता है ये, 5 पार्ट बताता है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या क्या होता है कुछ याद है क्या, फिजिकल मतलब शारीरिक, सासू ऐसा करके पढ़ते हैं, पहले शारीरिक नीड होता है, भूख लगा है प्यास लगा है, फिर क्या होता है सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता मतलब नौकरी, भाई खाना पीना मिल रहा है मतलब वो सुरक्षित रहे, मिलता ही रहे, फिर क्या है आपका समाज, फिर क्या है समाज, और समाज अगर मिल गया मतलब आपके माता पिता होने चाहिए, यार दोस्त होने चाहिए, भाई खाना पीना मस्त है, नौकरी भी है, तो आपको दिखाने के लिए लोग भी होने चाहिए कि देखो भाई मेरे पास सब कुछ है, याद रख लो। अब फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि भाई ये सब मिलने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, समाज है लेकिन समाज में सम्मान नहीं है तो कोई मतलब का नहीं, क्या होना चाहिए सम्मान होना चाहिए। और लास्ट वाला जो है वो है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि। तो इन्होंने भी बोला क्या कि 95% लोग की जो आवश्यकताएं होती है वो केवल 4 तक होती है, 95% लोग केवल क्या चाहते हैं, शारीरिक नीड होती है, सुरक्षा की नीड होती है, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता होती है और सम्मान की आवश्यकता होती है, 95% लोगों को, केवल 5% लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठ पाते हैं और अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं की पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो होते हैं वो आत्मसिद्धि वाला होते हैं, कितने परसेंट लोग होते हैं आत्मसिद्धि से रिलेटेड, 5% लोग जो होते हैं आत्मसिद्धि से रिलेटेड होते हैं। यहां तक समझ में आया, ठीक है। इसी के बाद जो है मनोविश्लेषणवाद, क्या बोलते हैं, अरे नहीं सिगमंड फ्राइड का है ना, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस बोलते हैं शायद, है ना, क्या बोलते हैं साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्राइड का होता है हिंदी में क्या बोलते हैं फिर बोल देना, साइकोएनालिसिस है मनोविश्लेषणवाद, है ना, मनोविश्लेषणवाद, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, सिगमंड फ्राइड। तो क्या करना है, ये जो 5 मैं बताऊं, मुझे 6 जो बताने वाला हूं इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें से 2 तो अपन देख चुके हैं, इसमें ज्यादा डील नहीं करना है, इसमें ज्यादा डील नहीं करेंगे हम, क्या पढ़ेंगे व्यवहार, मतलब ये प्रकारवाद में क्या बताने की कोशिश की गई, हमारा जो समय लगेगा एक तो यहां पर लगेगा थोड़ा सा, एक यहां पर लगेगा आवश्यकता सिद्धांत, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा, और मनोविश्लेषणवाद जो पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का, है ना, साइकोएनालिसिस,
उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसमें बताना है पूरा कॉन्सेप्ट, लिबिडो क्या है, इलेक्ट्रा क्या है, ओडिपस क्या है, उसी में लगेगा। और ये आगे भी एक दो बार आते जाएगा ना, आगे भी क्या होते जाएगा, एक दो बार रिपीट होते जाएगा, तो उस समय में ये नहीं बताऊंगा, आप यहां से पढ़ेंगे, मैं बस बताऊंगा जैसे मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, लिबिडो पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ओडिपस इलेक्ट्रा पढ़ा था, इसमें स्वामोह पढ़ा था, मैं बस वो रिलेट करूंगा वहां पर कि हम पढ़ चुके हैं करके, वहां पर नहीं डील करेंगे, समझ में, आगे पढ़ना ही रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मान के चलो कि हमारा ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा, ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा, कल सैटरडे है ना, कल तक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा होगा तो मंडे, तो मैं कोशिश करूंगा अब तक नोट पहुंच जाए कल या परसों, और उसके बाद क्या होगा, मंडे को ये टॉपिक खत्म होगा, और दो टॉपिक जो हमारा है, एक तो इसका मनोविज्ञान का विकास क्रम, और ये डिफरेंट टाइप के जो स्कूल है वो, इन दोनों का एमसीक्यू भी देखेंगे, समझ में, ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे इस सब की क्या करनी है, तैयारी करनी है, याद है, समझ में, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही देखते हैं, ये तीन चार नाम आप याद रखे रहिएगा, ये पढ़ना है हम लोग को। चलिए लाइव क्लास में जो है कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर को कौन सा न्यू कौन सा थीम, न्यू टॉपिक, अरे देखो छत्तीसगढ़ में जो है ना, पहली बात तो छत्तीसगढ़ का जो व्यापम है ना, छत्तीसगढ़ में जो व्यापम है वो ऐसा सिलेबस बनाता है ना जो किसी एक बुक में मिलेगा नहीं आपको।